नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। वैक्सीनेशन को शुरू हुए 8 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से वैक्सीनेशन को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सरधना के 73 साल के बीजेपी नेता को 1-2 नहीं बल्कि 5 वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जबकि 6ठी डोज दिसंबर में लगनी है। बीजेपी नेता का नाम रामपाल सिंह है। रामपाल बूथ संख्या 79 के भाजपा अध्यक्ष हैं और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सरधना में रहने वाले 73 साल के रामपाल सिंह ने कोरोना की दोनों वैक्सीन ली। रामपाल ने पहली वैक्सीन की डोज 16 मार्च और दूसरी 8 मई 2021 को लगवाई थी। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी उनको दे दिया गया, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन अपना प्रमाण पत्र निकालना चाहा, तो वो नहीं मिल पाया। रामपाल अपनी शिकायत लेकर स्वास्थ्य विभाग ऑफिस पहुंचे और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की मांग की, जिसके बाद सरकारी वेबसाइट पर चेक किया तो उनके 3 सर्टिफिकेट सामने आए। सरकारी कागजों के मुताबिक रामपाल सिंह को 5 बार वैक्सीन लग गई। सर्टिफिकेट के मुताबिक रामपाल को तीसरी और चौथी डोज 15 मई, पांचवी डोज 15 सितंबर को लगी है। पहले 2 सर्टिफिकेट में उनको 2-2 डोज लगी है और तीसरे सर्टिफिकेट में 1 डोज लगी है। तीसरे सर्टिफिकेट की अगली डोज दिसंबर 2021 में उन्हें लगवानी है। बस फिर क्या था, सर्टिफिकेट सामने आने के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद रामपाल सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में जांच शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि ये मामला किसी की साजिश या शरारत का नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने पोर्टल को हैक करके ऐसा किया है। अब जो भी हो, लेकिन सरकारी कागजों में इस तरह की गलती कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।